रूठे फुकरा को मनाती नजर आई है अब मनीषा। मनीषा ने ऐसा क्या किया है कि तुरंत फुकरा मान भी गया? क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि आज जो है कैप्टेंसी का टास्क हुआ। उस कैप्टेंसी टास्क में अब फुकरा के जूते बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए। हालांकि अपने जूते को लेकर वो बहुत परेशान नज़र आए, लेकिन अगर कहा जाए मनीषा ने उसकी मदद की और उसके शूज़ भी क्लीन कर दिए। पर जब भूख लगी मनीषा को तो उसने इंतज़ार नहीं किया फुकरा का और वो अकेले ही खाना खाने बैठ गई। ये बात जो है बिल्कुल भी फुकरा को पसंद नहीं आई। दोनों अक्सर जो है साथ में खाना खाते हैं, लेकिन अब मनीषा का बॉन्ड एल्विश से भी बहुत अच्छा हो रहा है। फुकरा भी एल्विश को बहुत पसंद करता है, पर जब उसने देखा कि अब मनीषा फुकरा को ज़्यादा भाव दे रही है उसे नहीं, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। और इसके बाद जो है ये बात मनीषा को पता चल गई और मनीषा उसे प्यार से मनाती हुई नज़र आई है और कहती हुई नज़र आई है कि इस बात का तू हमेशा ध्यान रखना कि तू हमारा इस घर का पहला दोस्त है और तेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता। हालांकि फुकरा ने अपने दिल की बात बताई नहीं थी मनीषा को, लेकिन जिस तरीके से फुकरा बिहेव कर रहा था उसे देखकर ही वो समझ गई थी कि फुकरा किसी बात को लेकर नाराज़ ज़रूर है। आपको क्या लगता है कि क्या फुकरा की नाराज़गी एकदम सही थी? क्या आपको लगता है कि फुकरा वाकई में मनीषा को लेकर पजेसिव हो गया है? दरअसल इस घर में आप कुछ ही महीनों के लिए रहते हैं और कुछ रिश्ते बनाते हैं जो आपके दिल के करीब हो जाते हैं, और फुकरा के लिए मनीषा की दोस्ती कुछ ऐसी ही है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।